नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों आज आपके सामने फिजिकल एजुकेशन पॉइंट मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आया हूं। आप दोस्तों इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में किसमें सक्रिय रहकर हम व्यवहार और आदर अर्जित कर सकते हैं? फिजिकल एजुकेशन, समाजीकरण, मनोरंजन एवं संस्कृति। दोस्तों यदि हम व्यवहार तथा आदर अर्जित कर सकते हैं तो हमें फिजिकल एजुकेशन का अध्ययन कर हम सक्रिय रूप से एक व्यवहार और आदर्श को अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन में किसके प्रयासों से फिजिकल एजुकेशन का उत्थान हुआ था? दोस्तों चार ऑप्शन थे, एल्डोप स्पीच, फ्रेंच नगस्थिल, सर हेनरिक लिंक एंड रूसो। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरिक लिंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों किस एज का निर्धारण यूबेटरी यौन को देखकर होता है? मानसिक आयु, फिजियोलॉजिकल आयु, कालानुक्रमिक आयु एंड एनाटॉमिकल आयु। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फिजियोलॉजिकली एज को हम दोस्तों ब्यूबर्टी यौन को देखकर हम उनका पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ एथलीट का हृदय एक मिनट में कितने रक्त की मात्रा पंप करता है? 12 लीटर, 15 लीटर, 17 लीटर, 22 लीटर। दोस्तों जो एक एथलीट होता है, एथलीट का हार्ट दोस्तों एक मिनट में 22 लीटर रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबी नेस के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है? जैविक विकास, तंत्रिका मांसपेशी विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन आता है। दोस्तों ये जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट, ये जेबी नेस के अनुसार एक शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो तीनों है, तीनों दोस्तों हमारे जेबी नेस ने फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद को और किस नाम से जानते हैं? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद को दोस्तों हम प्रयोगवाद के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के 3 सिद्धांत कौन से हैं? सामाजिक पूर्णता, खेल भावना, मानसिक सुदृढ़ता, मित्रता, आदर उत्कृष्टता, बौद्धिकता, खेल भावना, सामाजिक सुदृढ़ता, खेल भावना, बौद्धिक सामाजिक पूर्णता। दोस्तों जो हमारा ओलंपिक खेल है, उस ओलंपिक खेल को दोस्तों हम लोग किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? दोस्तों उसमें हमारा जो एक इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी, मित्रता, आदर, उत्कृष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैरा ओलंपिक खेलों के 4 सिद्धांत कौन से हैं? दोस्तों जो पैरा ओलंपिक है उसमें जो 4 हमारे सिद्धांत है, दृढ़ता, प्रेरणा, स्रोत, साहस और समानता, ये पैरा ओलंपिक खेलों के 4 सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देता है? व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास, क्लासरूम के बोरियत को पूर्णतः मिटाना, बच्चों का ऑप्टिमल विकास करना, खेलों में गतिविधियों का प्रोग्राम सबके लिए हो। दोस्तों जो 9th नंबर का ए है आंसर वो सही है, व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी। कैरा द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितनी भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं? दोस्तों इस जो 7 योजनाएं भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में किस धावक पथ इवेंट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 400 मीटर पुरुष की दौड़ में रियो ओलंपिक में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा कितने प्रख्यात प्रसिद्ध खिलाड़ियों को रोटेशनल के आधार पर नियुक्त किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करिएगा और सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई में कितने एक्स ऑफिस होते हैं, यानी कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी साई है उसके सदस्य की संख्या 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता पैरा ओलंपिक खेल में? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुरलीकांत ने हमारा पैरा ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कौन से 2 खेल पहली बार शामिल किए गए? तो दोस्तों जो हमारा गोल्फ और रग्बी, ये 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में पहली बार शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2016 रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता? दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, दीपा मलिक ने 2016 रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किन 2 देशों ने खिलाड़ी पहली बार प्रतिभागी बने? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, कोसोवो और दक्षिण सूडान के पहला देश है जिसमें पहली बार 2016 रियो ओलंपिक्स में प्रतिभाग किया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने कितने ओलंपिक्स मेडल जीते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सबको मालूम है कि कुल टोटल हमारे 9 मेडल्स आए, इलेवन मेडल, जिसमें हमारे 8 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक हैं। दोस्तों जो ओलंपिक्स में हॉकी का जो लास्ट
मेडल आया था वो 1980 मॉस्को के ओलंपिक में आया था। अगला क्वेश्चन है कि 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मास्कट क्या था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है कई एग्जाम्स में, इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन नंबर बी है विक्सन विनिकस, विनिकस दोस्तों 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मास्कट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्टन को स्पष्ट रूप से जाना जाता था उनकी सैन्य उत्कृष्टता के लिए, एथलेटिक्स उत्कृष्टता, भाषण कला के लिए, सौंदर्य बोध के लिए। दोस्तों जो स्पार्टा के लोग थे उनकी दोस्तों जो सैन्य शक्ति थी, सैनिक के रूप में उन्हें बहुत रूप में जाना जाता था क्योंकि वो बहुत ही बलवान और शक्तिशाली थे। ओलंपिक शपथ यानी ऑथ को डोपिंग और ड्रग्स के विरुद्ध घोषणा करती है किस ओलंपिक्स में शुरू की गई। सिडनी, एथेंस, बीजिंग, मैक्सिको सिटी। अब दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों सिडनी। 2000 में ओलंपिक शपथ को डोपिंग और ड्रग्स के विरुद्ध घोषणा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शपथ को पहली बार शामिल किया गया। 1896, 1924, 1936। दोस्तों 142 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हमारा 1920 एम्स्टर्डम में खेलों में ओलंपिक शपथ को पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन ओलंपिक खेलों में इजराइल के दर्जन भर खिलाड़ियों की मौत आतंकवादी हमले में हो गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इजराइल के दर्जन भर खिलाड़ियों की मौत आतंकवादी हमले पर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल फिलिप्स ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किस खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। 144 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मार्क स्पर्च का। माइकल फिलिप्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में 8 स्वर्ण पदक जीतकर उस खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में कौन सी कंपनी आधिकारिक तौर पर टाइम कीपर रही। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2014 एशियन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान और चीन। दोस्तों 2014 में दोस्तों जो हमारा दक्षिण कोरिया था उसने एशियन खेलों की मेजबानी की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस का आधिकारिक मास्कट क्या था। 197 का जो राइट आंसर है वो था जाबी वाका फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आधिकारिक मास्कट था। अगला क्वेश्चन है 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो 1998 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। आधुनिक समय के अनुसार एक नियम है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कम से कम कितने खेलों को शामिल होना चाहिए। यानी दोस्तों एक आधुनिक समय का एक नियम है कि ग्रीष्मकालीन में यदि कोई खेल शामिल होना है तो कम से कम कितने देशों में खेलना चाहिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, 28 खेलों को, यानी ओलंपिक खेलों में कम से कम 28 खेल जरूर शामिल होना चाहिए तभी वो ओलंपिक खेल सकता है। 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहकता साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है दोस्तों साक्षी मलिक। साक्षी मलिक 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2018 एशियन खेलों का आयोजन कहाँ सम्मिलित हुआ। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता, इंडोनेशिया में 2018 का एशियन खेलों का आयोजन किया गया है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन था। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर पर, जब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।